नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हाइब्रिड कलांचू के कुछ पौधे जो हैं वो आप सबके सामने रखे हुए हैं और आज मैं इनको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कलांचू जो होता है वो विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो भी डाली हुई है, इसमें जो मैंने 3 वेराइटीज़ थी वो भी आप सबके साथ शेयर करी हुई है। और ये हाइब्रिड वेराइटी है फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी ये सेंसिटिव वेराइटी होती है, बट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावरिंग प्लांट जो है इस टाइम नर्सरीज में अवेलेबल है। थोड़ा सा ये कॉस्टली भी रहता है पौधा और थोड़ा सा ये केयर भी मांगता है, केयर इन द सेंस कि बाकी जितने भी जो पौधे हैं या वेरीगेटेड कह लीजिए या फिर नॉन वेरीगेटेड कह लीजिए, जो देसी वाला कलांचू होता है, वो पूरे समर जो है हम उनको थोड़ा सा शेड में रख के उनको सेव कर सकते हैं। बट ये वाली जो हाइब्रिड वेराइटी होती है ये खूबसूरत तो बहुत होती है, बट समर में थोड़ा सा टफ हो जाता है इसको सेव करना। और आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हैं, नर्सरी वाले भैया ने मुझे ये जो पौधा है ये मुझे दे के चले गए और मुझे लगता है सभी पौधे जो हैं वो सेम ही फ्लावरिंग प्लांट कलर के दे के गए हैं। मुझे इसमें हल्का हल्का मुझे तो ऑरेंज इसमें दिखाई दे रहा है और थोड़ी सी लीफ डैमेज भी है, वो बारिश और ओलों की वजह से थोड़ी सी थी, लेकिन वो मुझे काफ़ी ठीक रेट में दे गए। 30-30 रुपीज़ का वो मुझे ईच जो प्लांट जो है वो मुझे दे के चले गए और बहुत ही ये खूबसूरत मुझे लग रहा है। और फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी सकुलेंट को रिपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उनके लिए जो पॉटिंग मिक्स होता है वो थोड़ा सा सैंडी सैंड की जो मात्रा है उसमें बहुत अधिक रहती है, क्योंकि सकुलेंट जो वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम उसमें सैंड जो मिलाते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो है पानी जो है वो नहीं रुकता है और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है। अगर ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो जो सैंड है वो उस वाटर को जल्दी ही ड्रेन कर देता है। तो अब मैं ये देखिए फ्रेंड्स, इनको रिपोर्ट भी करूँगी। और ये देखिए, मैंने 3 पॉट तो मैंने रेडी करके रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने पॉटिंग मिक्स जो है वो मैंने रेडी भी कर लिया हुआ है और उसमें ये मैं दिखा दूँ, इसमें ये मैंने सैंड ली है और थोड़ी सी जो अपनी गार्डन सॉइल है वो मैंने ली है। सैंड की मात्रा जो है फ्रेंड्स वो मैं इसमें अधिक रखूँगी और एक हिस्सा ही मैंने इसमें जो अपने गार्डन की सॉइल ली है वो मैंने ले ली हुई है। और इसके साथ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी जो पोरेसिटी है वो होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल में फ्रेंड्स कभी भी जो पानी है वो जल्दी ड्रेन हो जाता है। और इसके लिए मैंने जो फर्टिलाइज़र जो है फ्रेंड्स जो बनाए लिए हैं, उसके लिए मैंने सिंपल ये गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है और इसके साथ साथ ये थोड़ा सा फंजीसाइड मैंने लिया हुआ है। तो अब हम इसको सारा जो है ये हम इसको इस मिट्टी में मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक वेलड्रेन हमारे पास पॉटिंग मिक्स जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने पॉट में जो सॉइल है वो मैंने पहले ही मैंने डाल दी हुई थी, लेकिन इसकी जो रेशियो है वो मैंने बताने के लिए कि मैंने सैकुलेंट की मिट्टी जो है किस तरह से बनाई है, तो वो मैं आप सबको बताने के लिए ये दिखा रही थी। तो इसको मैं पॉट में भर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैं यही मिट्टी जो है मैं थोड़ी थोड़ी और जो है वो फिल कर लेती हूँ, फिर जितनी ज़रूरत होगी मैं बाद में उसको फिल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास 6 प्लांट्स हैं और मुझे लगता है कि एक एक में मैं 2-2 शिफ्ट करूँगी तो 3 पॉट्स में ये एडजस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ना इनकी मिट्टी जो है वो मैं रिमूव कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे जो प्लांट्स हैं वो मैंने पॉली बैग से निकाल लिए हुए हैं और इनमें ये आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी इनमें लगी हुई है, पूरे मैंने रूट्स को एक्सपोज जो है वो नहीं करा हुआ है। तो इसको ये जो जितने भी जो पौधे हैं वो मैं सब जो है इन पॉट्स में मैं डाल दूँगी।
तो फ्रेंड्स मैंने सभी जो प्लांट्स हैं वो मैंने पॉट्स में लगा दिए हैं और आखिर में मैं हल्का हल्का इनको वाटरिंग जो है वो मैं कर देती हूँ। और फ्रेंड्स अभी मैंने इनको शिफ्ट करा है, तो कोशिश करें हल्के शेड में रख दीजिए और एक दिन के बाद आप इनको धूप में ले जाएं और धूप में इनको रख दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए इनको धूप बहुत चाहिए होती है। और उसके साथ साथ वाटरिंग का हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखें, और वाटरिंग आप तभी करें जब इसकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि पानी अगर अधिक इन पौधों में रुका रहा तो ये पौधे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, रूट रॉट कर जाएंगे। और बेहद ही खूबसूरत ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये एक सकुलेंट प्लांट है। तो आशा करती हूँ आज की जो जानकारी है वो फ्रेंड्स आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।